नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी टेस्ट करते समय प्रेगनेंसी टेस्ट किट में आप यूरिन की कितनी बूंदें डालें। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर प्रेगान्यूस टेस्ट किट ले रखा है। अब मैं इसके माध्यम से आपको बताऊंगी कि इसमें आप यूरिन की कितनी बूंदें डालें। पर उससे पहले मैं आपको एक बेहद ही महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जब भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें तो आपको कम से कम पीरियड मिस होने के कम से कम 5 या 6 दिन बाद ही आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें। इससे क्या होता है कि आपका रिज़ल्ट अच्छा आता है। और जब भी प्रेगनेंसी टेस्ट करें तो सवेरे का फर्स्ट यूरिन के साथ ही प्रेगनेंसी टेस्ट करें। तो चलिए, अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट किस प्रकार कर सकते हैं और यूरिन की कितनी बूंदें डालेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये प्रेगान्यूस टेस्ट किट है। इसमें आपको सारी जानकारी यहाँ पर आपको पीछे मिल जाएगी। चलिए, अब मैं इसको फटाफट से ओपन कर देती हूँ। तो देखिए, इसमें एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट निकलता है, इसके अलावा एक ड्रॉप निकलती है और एक पाउच निकलता है। तो चलिए, अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप इससे प्रेगनेंसी टेस्ट किस प्रकार कर सकते हैं। तो देख लीजिए, यूरिन की आपको कितनी बूंदें डालनी है। आपको टेस्ट किट में 2 से 3 बूंदें अपने यूरिन की डालनी है इस प्रकार से। आपको 2 मिनट के अंदर अंदर ही रिज़ल्ट मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें दोनों ही लाइनें डार्क आई है। अगर इसमें एक लाइन आती तो ये नेगेटिव प्रेगनेंसी टेस्ट है, पर इसमें 2 लाइन आई है तो इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट है। जब भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें तो आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको आराम से काम करना है। तो अब आप जान चुके हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट में यूरिन की कितने बूंदें डालनी है। 2 से 3 बूंदें आप अपनी यूरिन की इसमें डाल सकते हैं, इससे आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। इससे ज़्यादा ना डालें, और जब भी प्रेगनेंसी टेस्ट करना हो वो आप सवेरे के वक्त ही करें, इससे रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो देखा दोस्तों आपने, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।